अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरफुद्दीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब हमेशा अपने बयानों को लेकर मीडियाई हेडलाइंस में रहे हैं। उनके बयान विवादित तो नहीं होते, पर ऐसे होते हैं कि मीडिया उन्हें अपनी हेडलाइंस में ले लेती है। होम मिनिस्टर महमूद अली के घर के करीब मस्जिद पाशा अली आजमपुरा में चोरी और कुरान की बेहरमती, ये चोरी है या बदमाशी? एमएलए मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाना ने मस्जिद पाशा अली आजमपुरा में मायना किया और 24 घंटे में सरपरस्तों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया। होम मिनिस्टर के घर के करीब चोरी या बेहरमती, पुलिस से खात करे। होम मिनिस्टर को इमाम जमीन बनने से फुर्सत रहे तो लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देंगे, ये कहना है मीडियाई नुमाइंदों का। बहरहाल महमूद अली साहब लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं, वो तो तेलंगाना की आवाम बेहतरीन तरीके से जानती है। बहरहाल मस्जिद का मंजर देखिए किस तरीके से ये किया गया, ये चोरी नहीं बल्कि बेहरमती नजर आ रही है। पुलिस को चाहिए कि इस केस में कड़ी तहकीकात करे और तुरंत सरपरस्तों को गिरफ्तार करे और अदालती तहवील में दे। एम्पलीफायर हम भी नहीं है, माइक भी नहीं है। जी 3 बजे से लेके 4:30 के यानी कि 4:30 के आसपास में काम होगा पूरा जी। ये करके सामान पूरा पीछे फेंक पटरियों के ऊपर फेंक के अपने सामने जो नाला है ना, वो नाला पूरा क्रॉस कर लिए सामान वो लोग, नाला क्रॉस करिए सामान के आगे साइड में रख दिए। वहाँ से फिर और जो रास्ता है नीचे उतरने का, नीचे उतर के क्या करे वो लोग, ये बेचारे गरीब रहते वहाँ पर रिक्शा चला लेते उन्हों, उनका रिक्शा जा कर खींच के ऊपर ले गए, जबकि कुफल है रिक्शे को, वो रिक्शा ऊपर ले जा क्या करे पटरियों के बाजू में रखते पूरा सामान उसके अंदर डाल दिए, डाल के क्या करे पत्थर से फोड़ रहे थे, बाजू के लोग उठ के वो नहीं रहे बल्कि आवाज़ देते क्या करे निकल के भागे बोले सीधा और निकल के आके वो टेम्पल के बाजू जल्दी में घुस गए। बच्चे पीछे आए भाग लेते, वहाँ से कहाँ गब हो गया समझ में नहीं आया। लास्ट टाइम भी वहाँ से पहले भी 3 मरतबा हुआ और 4 दिन पहले पीछे टॉयलेट के पूरे आईने फोड़वा दे, और आज से 20 दिन पहले तकरीबन 8 जोड़ी चप्पल मार दी जुम्मे की नमाज में। पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती अपने पास? पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रही, पुलिस में कंप्लेंट भी करे, इससे पहले भी 2 खुद कंप्लेंट गया, पर इससे पहले जो कंप्लेंट गया था उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, फिर भी समझो जगह के बलाना साहब उल्लगा इल्लगा है और हमारे कॉर्पोरेटर अबरार भाई आए आगे बाप जागा करते बार थोड़ा बहुत मजीद की थोड़ा इलाज करके जागा करे, पर आज जो करे काम वो टोटली बर्बाद कर दिया। उसके अलावा कलाम पाक निकाल के बाहर फेंक दो, कुरान की बेहरमती करके तकरीबन देख लीजिए आप 30 से 35 कुरानों को बाहर फेंक डालो, जानी माता पूरे दिखती इतनी फैर ऊपर सम जो आता सम की टाकी का वाल्व खोल के उसका पाइप निकालने की कोशिश करो।
उसके बाद समझो ऐसा पुलिस वाले आए। हाँ पुलिस वाले आए, आते हुए थे तकरीबन 4:30 बजे से, पुलिस वाले आए थे हीरो से कैसे गलती हुई थी। अब वो फिंगर प्रिंट्स वालों ने भी बुलाए और अपराध में भी यहीं ठहरे हुए हैं। और सिटी कमिश्नर साहब से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारे बस्ती का माहौल खराब करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में यहाँ एकता बहुत अच्छी थी, अब किसके दिल में क्या है नहीं मालूम है। हम ये चाह रहे हैं कमिश्नर साहब से कि इस मामले में अच्छी से अच्छी जांच करो, जो भी कसूरवार है उसको सही से सही सजा दो, ताकि यहाँ हुए जैसा और कहीं ना हो। कहने में हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अगर ये मामले को आप जितना हो सका जल्द से जल्द जाँच करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गौस खान है, मैं आबादी में रहता हूँ। मैं मस्जिद से भी ताल्लुक है साहब का? मैं हालांकि यही मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, मैं यही मस्जिद का मुस्तवली हूँ। और सिटी कमिश्नर साहब से आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ये चीज़ के लिए इमीडिएटली अच्छे से अच्छा एक्शन लीजिए, जो कानून के तहत जो कर सकते आप। ये मसला जो है ना साहब, खाली पीली के नए फीलिंग डालने वाला मसला है, हम नहीं चाहते हमारे को कोई फीलिंग होना। भाई बोलो, तीन वक्त हो गए। और ये जो है साहब, तीन मरतबा आवाज हो, फर्स्ट डे खुद हुआ, सेकेंड डे को खुद आया, थर्ड टाइम है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।